हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। अभी आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है और अभी बज रहे हैं यहाँ पे एक, तो इंडिया में बज रहा होगा 5:30। फिलहाल आज धूप बहुत कड़क निकली है, मतलब अगर आज धूप कड़क निकली है इसका मतलब रात को ठंड भी बहुत अच्छी पड़ने वाली है। सो खैर, अभी तो फिलहाल रेडी होंगे, उसके बाद लंच बनाएंगे। लंच बना के खा के गाड़ी पे चढ़ के आई विल बी गोइंग टू माई कॉलेज सून। आज पूरे यहाँ से लेके कॉलेज तक की व्लॉग बनाऊंगा, कोशिश करूँगा सारे जगह कैप्चर करने की। कल भी मेरा क्लास है, फिर परसों छुट्टी है। सो परसों मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं बर्लिन गेट घूम के आऊँ, बर्लिन वॉल भी घूम के आऊँ। सो देखते हैं, चलो अभी के लिए इतना ही। यहाँ के लोग परफ्यूम बहुत लगाते हैं, मतलब जब भी मैं किसी भी इंसान पास, कोई भी पास करता है सामने से, पूरा पता चलता है कि आधा पूरा बॉटल उन्होंने एक बारी में छिड़क लिया है। यहाँ पे लोग नहाते कम है ठंडा करके, लेकिन अपने को आदत है। यहाँ पे गर्म पानी आता है फिर भी लोग शायद कम नहाते हैं, तो अपने को तो आदत है। ऊपर से मेरे घर पे बाथटब है, रुको बाथटब दिखाते हैं। मेरे घर पे बाथटब है और मैं बाथटब में कभी नहाया नहीं हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे मेरे को तो रोज़ नहाने मज़ा आता है भाई। गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। टैप को लेफ्ट घुमाओ तो गर्म पानी, टैप को राइट घुमाओ तो ठंडा पानी। अब इतना सुविधा होने के बाद भी अगर इंसान ना नहाए तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। सो नहीं, बस इतना पहन के जाऊंगा तो आते वक्त ठंडे में हम वहीं पे गिर के मर जाएंगे, तो ये नहीं रहेगा, ये तो बस अंदर रहेगा। इसको पहन लेते हैं। सी, होप आई एम लुकिंग गुड राइट। फिलहाल अपने को है थोड़ी सी जल्दी, जल्दी नहीं है लेकिन अभी हेवी मील बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो फिलहाल ब्रेड, बटर अंदर है, केला है और न्यूटेला है, मज़ा आ जाएगा। चलो बनाते हैं टोस्ट। हो गया खाना रेडी, अभी का ये रहा मेरा बनाना टोस्ट विथ न्यूटेला ऑन इट। चलो खाना हो गया है रेडी, आई जस्ट हैव इट। यार आज ना मेरा मेरा गिटार 2 दिन से आने का है, मतलब आने का बोल रहा है लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहनचोद, सॉरी, यहाँ पे वो कॉल वॉल करने का कोई सिस्टम नहीं है,
लोग बस आएंगे, आपको डिलीवरी करेंगे, और पे पहले करना है, सीओडी कुछ नहीं है, तो अलग मतलब अलग टेंशन। तो मेरा गिटार 2 दिन से आएगा करके आ ही नहीं रहा है, अभी आने का टाइम दिखा रहा है। और अभी हम जाएंगे कॉलेज, मेरा क्लास है 4 घंटे का, उतने देर में मेरा गिटार आएगा, चले भी जाएगा, ये क्या मतलब है? लेकिन क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। इसीलिए हम बार बार खिड़की से झांक रहे कि अभी आ जाए भगवान, तो मैं पिक करके फिर कॉलेज जाऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, और बस उसका मज़ा लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। कुछ ही देर में बस है हमारी, तुम सबको दिख जाएगा सारा रूट। यार यहाँ के दरवाजा मतलब भाई, ये चाबी खुलने में ना मेरे को समझ में नहीं आता है, इधर घुमाओ कि उधर घुमाओ, दिमाग खराब। सूरज तो मस्त है। अभी एक और गेट, सेट। नो मेल्स। ओके, अभी अपन चलेंगे कॉलेज। ये है मेरा मेन रोड, वहां से आगे से बस पकड़ेंगे, फिर और आगे चलेंगे। धूप तो मस्त है आज भाई, मतलब बहुत ही मस्त है, और आज दिन भर धूप था, तो आज रात को ठंडा भी अच्छा लगेगा जैसा हम पहले बोले। और मेरा क्लास ख़त्म होगा 4 बजे, मतलब इंडिया के बजेंगे रात के 12:30, आते आते अलग 1 घंटा लग जाए, 1 घंटा नहीं 20-25 मिनट लगेगा, तो उसमें अलग घर और साफ कर रहे हैं। और रहा बस स्टैंड, बस आएगा थोड़ी देर बाद। और ये आ गई हमारी सवारी कॉलेज के लिए। हेलो, अब यहां से आगे ट्रेन में। आ गई एक स्टॉप, इसके बाद ट्रेन में ज़्यादा भीड़ रहती है, बस में फिर भी खाली रहता है, तो अभी देखते हैं। अभी तो फिर भी ऑड टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो शायद खाली ही होना चाहिए, लेट्स सी।
वहाँ पे दूर पे एक सुपर मार्केट है, सस्ती तो नहीं मिलती है भाई, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो है। और ये आ गया एक स्टेशन बर्लिन रोनाओ। ये यहाँ के नॉर्मल स्टेशन है। यहाँ पे भी होमलेस मिलते हैं लेकिन बहुत कम। ये नहीं है मेरी ट्रेन, आई नहीं है फिलहाल के लिए, बैठ जाओ। और ये तुम्हारा स्टेशन है, यहाँ से फिर एक और ट्रेन पकड़ के फिर निकलेंगे। ये देखो फिलहाल ये हमारी ट्रेन दिख रही है, S46 वेस्ट एंड, 8 मिनट में आएगी, वो मेरी सवारी है। यहाँ से आगे निकलते हैं, बट फिलहाल ये रहा सही। दिस इज फकिंग मी। और ये आ गई मेरी अगली सवारी, इससे फिर आधा चलेंगे, उसके बाद अंडरग्राउंड चलेंगे, फिलहाल इस पे चलते हैं। उधर भी है और इधर भी है, इधर भी है। आगे अगला स्टॉप, यहाँ से एक बार ट्रेन लेकिन इस बार अंडरग्राउंड। आ गया अगला ट्रांसपोर्ट, इसके बाद सीधा कॉलेज। भीड़ देख रहा है, भीड़ देखो, भीड़ देख रहे हो भाई। U7 nach Rathaus-Spandau. Einsteigen bitte. लगता है मिल गया, मिल गया जगह, मिल गया। इतना भीड़ था कि मैं अंदर में वीडियो भी नहीं बना पाया, इतना भीड़ था भाई, मतलब घुसने का जगह नहीं मिल रहा था। वीडियो बनाना तो फिर भी दूर, खैर 4 बजे से क्लास है, 3:40 हो रहे हैं। हाँ।
और पहुंच तो गए हैं। ओ देखो वो वाली लैंडमार्क मेरी याद रखने वाली लैंडमार्क है, ये ऊंचा जो बिल्डिंग दिख रहा ना, ऊंचा घड़ी जो है वो वाला, याद रखने के लिए मेरे को सुविधा होता है। ठंड तो आज भाई अलग ही लेवल में रह रही है। ओह माय गॉड, देख रहे हो भीड़ ही भीड़ आज मंडे बोल के इतना भीड़ है, लेकिन मेरे को लगा था खाली होगा, खैर कोई बात नहीं। चलो ये यहाँ से पार हो गए बैंचुत, हवा तो इसकी माँ की आँख। तो ये बिल्डिंग मेरे को याद रखने में हेल्प रखता है। खैर हेलो भाई, कॉलेज तो आ गए और अपने पास अभी भी 15 मिनट टाइम है। मेरे कॉलेज के सामने मेरे को बहुत इंडियन दिखते हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज में क्योंकि मेरे कॉलेज में इंडियन भर्ती पड़े हैं भाई। खैर हो रही मेरी कॉलेज, कॉलेज के बाहर ही मॉल है, बाहर बोल रहे हैं कॉलेज के बाहर ही मॉल है। वो आ गई कॉलेज, तेरा कॉलेज के बाहर खाली इंडियन ही दिखते हैं, लगता ही नहीं जर्मन कॉलेज है कि इंडियन कॉलेज। और ये कॉलेज का एंट्रेंस भाई, मेरे कॉलेज में तो खाली ज़्यादा से ज़्यादा तो इंडियन ही भरते हैं। एन जी लग ही नहीं रहेगी कोई बाहर के देश के स्कूल में आए, क्योंकि सब तो इंडियन ही दिख रहे। टू जी एक्सक्यूज मी, वेयर इज 211B? किधर होगा? वेयर इज 211B? 211B right, then go right and then you see it is immediately here. Okay, thank you. Go this way, okay, circle. Yes, sir. Okay, thank you. Okay ji, 217, 217A. To 14, to 13, to 12, to 11, B. Hello, पहुंच गए कॉलेज, दी गया क्लास, मैं क्लास में घुसने जा रहा था, फिर देखा को कि अभी तक टाइम नहीं हुआ है। अच्छा हुआ नॉक नहीं कर दिया, फिर नॉक करते तो क्या सोचते हैं लोग। खैर ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है, अगली बार के लिए बाय बाय।